आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, मैं मुकेश कुमार। हम इस समय मौजूद हैं फूलपुर माहौल में। यहां पर आज 14 अप्रैल के दिन अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। अंबेडकर स्थान पे आइए, यहां कुछ महिलाएं हैं जिससे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं उनसे। क्या नाम है मैडम आपका? सुमलता बौद्ध। मैडम, मैं जान सकता हूँ कि यहाँ प्रोग्राम कैसे संपन्न हो सकता है शाम तक? यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम संपन्न होगा, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पे, कि जो कोई भाग दौड़ नहीं, कोई मतलब धक्का मुक्की नहीं, बहुत अच्छे से प्रोग्राम संपन्न होता है और उसे आज भी होगा। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि बहुत। तो आप समाज के लोगों को क्या बताना चाहती हैं बाबा साहब के बारे में? मैं यही बताना चाहती हूँ बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब एक ऐसे मसीहा थे, ऐसे इंसान थे जो कि मानव को एक समान बताने के लिए वो अपना पूरा जीवन काम करते थे। और आज बाबा साहब की जयंती है, हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं, बहुत उत्साह है सब महिलाओं में। और मैडम, जैसे बाबा साहब का कहना था कि मुझे अनपढ़ों से शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है सिर्फ पढ़े लिखे लोग से, उनका क्या कहने का मतलब था? बाबा साहब सच कहते थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो ये बात तो सही है कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि अनपढ़ को बता देते हैं कि हमें कहीं जाना है, बाबा साहब की जयंती है, तो वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग ऐसा है कि वो जरूर जानते पूछते हुए भी घर में बैठे रहते हैं, जल्दी नहीं निकलते बाहर। एक बाबा साहब के साथ महान नाम जोड़ा जाता है जिन्हें कैलाश भारती कहते हैं, आइयो उनसे जानते हैं। और कैसा कार्यक्रम संपन्न हो सकता है शाम तक? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा संपन्न होगा। आज विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम है, जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। 14 अप्रैल 1891 बाबा साहब का जन्मदिन हुआ था, और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दे दी भारत में कि दबे कुचले गरीब मजदूर सभी लोगों के लिए एक समानता की व्यवस्था दे दी, और वह व्यवस्था आज भारत देश में लागू है। आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और यहाँ पे खासकर माहौल के अम्बेडकर प्रतिमा पे सभी लोगों का सहयोग रहा है। यहाँ पे जलपान की व्यवस्था की गई, दिन भर महिलाएँ आती रहेंगी, वो फूलमाला चढ़ा करके यहाँ से जाएंगी, और सभी का मान सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है। और तो सर, आप अपने समाज के लोग हैं, जितने समाज के लोग के मतलब समाज को क्या जानकारी, क्या निर्देश देना चाहते हैं? देखिए, हम यही निर्देश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के जो 3 मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित तो हम लोग धीरे धीरे बन ही रहे हैं, संगठन में हमारे कमी है। सभी लोगों से निवेदन, सभी लोग संगठित हो, और संगठित होकर ही हम संघर्ष करके आगे आ सकते हैं। आज हमारे यहाँ इतने टैलेंट है, इतनी व्यवस्था कि अमेरिका लंदन को हम पीछे कर सकते हैं, इतने हमारे यहाँ विद्वान लोग हैं, लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो सामाजिक व्यवस्था, वो पीछे खींच रही सभी लोगों को। अगर सभी लोग अच्छे से सहयोग करें तो हम लोग बहुत ही आगे जा सकते हैं, और 5 सालों के अंदर मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका को हम लोग पीछे कर सकते हैं, अगर पूर्ण रूप से संविधान लागू हो जाए और संवैधानिक रूप से देश चलने लगे तो। अभी सर मैडम से हमने पूछा है कि बाबा साहब का कहना था कि वो कह रहे थे कि मुझे अनपढ़ों से शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो व्यवस्था ख़राब थी, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग भी समाज में चल चल के काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, और कुछ लोग चाहे जितने भी व्यवस्था ठीक हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े संगठन, डॉक्टर इंदु चौधरी जी, बुद्धमित्र मुसाफिर सर, ये लोग पढ़े लिखों का ही संगठन है, और ये लोग पूरे भारत देश में घूम घूम के काम कर रहे हैं। पवन मिश्राम जी भी घूम घूम के काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन ये है कि पढ़े लिखे लोग नेतृत्व पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर पढ़े लिखे लोग नेतृत्व करते हैं तो समाज ज़्यादा तेज़ी से आगे जाता है। चलिए ठीक है सर, आज